कोरोना महामारी के कारण न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है, लेकिन इस बीच भारतीयों को भी पेट्रोल डीजल के दामों पर झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस ने एक ऐसा फैसला कर लिया है जिससे वैश्विक कच्चे तेल के दाम में बड़ा इजाफा देखा जा सकता है। इससे देश में भी पेट्रोल डीजल के दाम पर असर पड़ेगा और वो महंगा होने की तरफ बढ़ सकता है, मतलब पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भारत पर इसका असर कैसे पड़ेगा, ये मामला आखिर है क्या? तो इसे समझते हैं कि तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने प्रतिदिन 20 लाख बैरल की कटौती करने का फैसला क्यों किया है। ओपेक प्लस ने कीमतों में तेजी लाने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में बड़ी कटौती करने का फैसला लिया। यह कदम पहले से ही महंगाई और मंदी की आशंका से जूझ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। कोरोना महामारी के शुरुआत के बाद ओपेक गठजोड़ के वियना मुख्यालय में ऊर्जा मंत्रियों की पहली आमने सामने बैठक हुई। सऊदी अरब, रूस और अन्य शीर्ष तेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद में एक बड़ी कटौती पर सहमति जताई। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस फैसले को मास्को को रियायत देने के लिए उठाया गया एक कदम बताते हुए इसकी आलोचना की है, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचाएगा। सऊदी अरब और उसके 10 सहयोगियों के नेतृत्व में 13 देशों के ओपेक कार्टेल ने वियना में एक बैठक में नवंबर से कच्चे तेल के उत्पादन में प्रति 20 लाख बैरल की कटौती करने पर सहमति जताई। ओपेक देशों द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में यह कोविड महामारी के बाद की गई सबसे बड़ी कटौती है, जिससे आशंका बढ़ रही है कि यह फैसला तेल की कीमतों को ऐसे समय में बढ़ा देगा जब ज्यादातर देश पहले से ही ऊर्जा ईंधन जनित महंगाई का सामना कर रहे हैं। मार्च 2020 के बाद से ओपेक प्लस की पहली आमने सामने बैठक हुई और इस बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कदम बचाव करते हुए सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा, कार्टेल की प्राथमिकता ऑयल मार्केट में अस्थायी तत्व बनाए रखना है। ओपेक प्लस ने अपने बयान में कहा कि यह फैसला वैश्विक आर्थिक और कच्चे तेल के बाजार परिदृश्य में अनिश्चितता को देखते हुए लिया गया है। हालांकि उत्पादन में कटौती से कच्चे तेल के दाम और उससे बनने वाली पेट्रोल की कीमत पर विशेष असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ओपेक प्लस के सदस्य पहले ही समूह द्वारा तय किए गए कोटा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये ओपेक प्लस का कहना है। सितंबर के आउटपुट नंबर्स के आधार पर ब्लूमबर्ग की गणना के अनुसार समूह के उत्पादन लक्ष्य में से एक दिन में 20 लाख बैरल की कटौती को पाने के लिए केवल 8 देशों को ही अपने वास्तविक उत्पादन को घटाने की आवश्यकता होगी। इससे 8,80,000 बैरल प्रतिदिन की वास्तविक कमी आएगी। हालांकि 20 लाख बैरल की कटौती अभी भी ओपेक प्लस द्वारा 2020 के बाद से सबसे बड़ी कटौती होगी। पहले से ही अत्यधिक महंगाई से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही यह कदम ऊर्जा की उच्च कीमतों के लिए भी बताया जा रहा है। यहां यह बताना जरूरी है कि ओपेक प्लस अगस्त में अपने आउटपुट टारगेट से 36 लाख बैरल प्रति दिन पीछे था। इस समय क्रूड ऑयल WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल तेजी के साथ क्रमशः $86.5 प्रति बैरल और $92 प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहे हैं। भारत पर असर को समझना बेहद आसान है। जैसे विदेशी देशों में कच्चे तेलों की कीमत बढ़ती है या उसमें बढ़ोतरी होती है, तो देश में भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। ठीक ऐसे ही अगर 20 लाख बैरल की कटौती की गई तो देश में पेट्रोल डीजल की कमी आएगी, और अगर कमी आती है तो इस पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी, इसके दाम बढ़ेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।